काफ़ी लंबे समय के बाद जो है अब डोडा में भी जो है बारिश देखने को मिली है और कहीं ना कहीं एक राहत की सांस तमाम लोगों को, क्योंकि लगातार गर्मी का मौसम के कारण ये तस्वीरें देख सकते हैं। डोडा के अंदर अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है और आप भी अपने एरिया की अपडेट बता सकते हैं कि आपके एरिया में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। ये तस्वीरें बयां कर रही है जहाँ पर आप देख सकते हैं लंबा जाम गाड़ियों का, और ये तस्वीरें क्योंकि काफ़ी समय से यानी एक घंटे से एक डेढ़ घंटे से यहाँ पर डोडा के अंदर बारिश देखने को मिल रही है, चाहे फिर डोडा चढ़ावेली का एरिया हो, तमाम जगहों पे। और अगर आपके एरिया में भी कहीं पे भी बारिश हो रही है तो बता सकते हैं, क्योंकि देखिए घूमने फिरने की जगह है भद्रवाह जहाँ पर हज़ारों टूरिस्ट घूमने फिरने आ रहे हैं, यानी लाखों से ज़्यादा। चलिए उधमपुर में भी बारिश हो रही है, कुछ एक कमेंट पढ़ने में आया कि उधमपुर में भी बारिश हो रही है, तो आप अपने एरिया के अलग अलग जगहों से भी बता सकते हैं कि किस तरह का टेम्परेचर है और कितनी राहत की सांस आप तमाम लोगों को मिली है। फिलहाल देख सकते हैं ये डोडा की बिल्कुल क्लॉक टावर के सामने वाली तस्वीरें हैं और बिल्कुल खूबसूरत सा नज़ारा, और ये लहराता हुआ तिरंगा इस क्लॉक टावर के ऊपर बिल्कुल, जहाँ पर सब लोग जो हैं आप घरों में बैठे हुए हैं और जो निकल भी रहे हैं गाड़ियों से या फिर अपना छाता लेकर बाहर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे में लगातार बारिश और कहीं ना कहीं स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विंटर वेकेशन वगैरह होता है और गर्मियों के टाइम पर चन्हावेली में 5 या 10 दिन की छुट्टियाँ होती है, तो ऐसे में बच्चों के लिए भी राहत की सांस है। चलिए और भी कमेंट में लेना चाहूँगा, आप अपने एरिया के किसी भी जगह पे रहते हैं तो बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है और किस तरह की बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल ये नज़ारा, और इससे पहले कौन डोडा के इस क्लॉक टावर के आसपास आया है वो भी बता सकता है, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना बता दें आपको कि डोडा के अंदर अभी बादल ने करवट बदली हुई है, यानी मौसम ने बिल्कुल करवट बदली हुई है और उसके बाद ये सब नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है। फिलहाल खूबसूरत सा नज़ारा डोडा का और अद्भुत सा नज़ारा, और बारिश के बाद कहीं ना कहीं एक तो राहत की सांस तो मिली है, साथ में जो धूल वगैरह उड़ती थी कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों से तमाम लोगों को राहत मिली है। बिलावर में भी बारिश हो रही है, और इसके अलावा अगर कोई और बताना चाहता है तो बता सकता है। और आज की अपडेट आपको बता दूँ, इंडिया और आयरलैंड का T20 वर्ल्ड कप मैच भी है कुछ समय के बाद। फिलहाल देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून, और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि देखिए बादल तो गरज तो रहे साथ में, और साथ में बिजली भी जो है चमक रही है। लंबा सा जाम जो है बिल्कुल हमारी सड़कों पर लगा रहता है शाम के टाइम।